कटनी जिले में नारी शक्ति एक पहल संस्था ने ससुराल पक्ष से लंबे समय से प्रताड़ित चल रही नेहा राय को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है। पीड़ित महिला के द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट और न्यायालय में केस जाने के उपरांत भी अपनी समस्याओं का अंत ना होता देख नारी शक्ति एक पहल संस्था का सहारा लिया है। देखिए इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। नारी शक्ति एक पहल संस्था की संस्थापक सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता डॉक्टर नुपुर धमीजा ने पीड़ित महिला को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें पीड़ित महिला को न केवल माननीय न्यायालय से न्याय दिलाने में विधिक सहयोग किया जाएगा, वरन पीड़ित महिला और उसके 4 वर्षीय पुत्र को उसके हक दिलाने के लिए भी सहयोग किया जा रहा है। ये मामला अभी हमारे पास आया है, नारी शक्ति एक नई पहल संस्था के पास ये मामला आया है और कटनी ज़िले में ये मामला हमारे पास आया है। लड़की जो है वो जबलपुर की रहने वाली है और ससुराल पक्ष उसका कटनी में है, तो ससुराल से काफ़ी प्रताड़ित है लंबे समय से और अदालत में भी और पुलिस लेवल पर भी न्यायालय लेवल पर भी उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, इसीलिए उसने हमसे गुहार लगाई है न्याय के लिए। पूरी उम्मीद है नारी शक्ति एक नई पहल संस्था पूरा विश्वास दिलाती है कि उसके बच्चे को उसका अधिकार दिलाएगी और उसको न्याय दिलाएगी। नारी शक्ति एक नई पहल संस्था का जो काम है वो न्याय दिलाने का ही है, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस केस पर भी जीत हासिल करेंगे। पीड़िता का क्या नाम है मैम? पीड़िता का नाम नेहा राय है, जबलपुर की रहने वाली है। किस तरह से संस्था से जुड़कर वो आई है सर, कैसे? हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमारे पास फ़ोन आया था कि ये मेरी शिकायत है, ससुराल पक्ष से काफ़ी परेशान हूँ मैं और छोटा बच्चा है, उसको अधिकार दिलाने के लिए भी उसने हमसे मांग की। तो उसकी पूरी केस को देखने के बाद, पूरी डिटेल्स लेने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे हैं कि बहुत जल्द उसके बच्चे को हम न्याय दिलाएंगे और नेहा राय को भी बहुत जल्द हम न्याय दिलाएंगे। हालांकि अब देखना होगा कि पीड़िता को इतनी जगह गुहार लगाने के बाद अब न्याय मिल पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, कटनी।